हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे समुच्चय सेट प्रश्नावली 1.3 के क्लास 11 के पार्ट टू। पार्ट वन भाग हम पहले इसके बताए हैं, उसमें कुछ परिभाषा भी बताए हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा उसको। और ये पाँचवा क्वेश्चन है, पीए के कितने अवयव हैं यदि a बराबर 5। तो अगर पहला भाग नहीं देखेंगे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो भी ये समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कुछ परिभाषा भी बताया गया है, जिसे उपसमुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय का ये सारे चीज़ बताए गए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि a बराबर 5 है, तो a बराबर जब 5 है तो 5 का संख्या कितना है? 1 है। तो कह रहे हैं कितने अवयव होंगे, पीए के कितने अवयव होंगे। तो चूंकि ए इक्वल टू 5, इसलिए पीए इक्वल टू 1, क्योंकि पीए के अगर घात के बारे में अगर जाना जाए, जो घात समुच्चय का जो पीए संकेत होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 1 ही होगा। ये संख्या तो एक ही है, तो इसलिए इसका जो है 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अंतराल रूप में कैसे लिखाता है विद्यार्थी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे कह रहा है कि x अनुपात 1 समुच्चय R, रियल नंबर तो है ही है, तो रियल नंबर में यानी वास्तविक संख्या में ये सब आएगा या पूर्णांक में। -4 छोटा है 1 से, और 6 से 1 से जो है छोटा आया बराबर है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि जिधर ये रहेगा छोटा या बराबर, उधर बड़ा कोष्ठ देना है, ध्यान देना है यही बात। और जिधर कुछ नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, तो उधर से छोटा कोष्ठ देना है। एक तरह से समझ लीजिए कि रोस्टर रूप है, तो इसका अंतराल रूप हम यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो आप लोग इधर लिख सकते हैं कि इसलिए अंतराल रूप में लिख, और उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पर, यहीं पे समझा देते हैं, यहाँ थोड़ा जगह कम है, आप लोग समझ जाएंगे। -4 है तो सारे के सारे नहीं लिखना है, जैसे -4 है, -4 लिख दिया, इधर से छोटा कोष्ठ लगाएंगे क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, और फिर बीच में कामा डालना है, और जो है 6 है, 6 को सीधा लिख देना है, और इसमें छोटा एक्स जो है छोटा और बराबर है, छोटा या बराबर है, तो उधर देना है बड़ा कोष्ठ, ये ध्यान देना है। बन गया, अंतराल रूप हो गया इसका। अब देखिए अगला देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -12 है और इधर -10 है, तो यहाँ पर ना इसमें बराबर का चिन्ह है, ना इसमें बराबर का चिन्ह है, कुछ दोनों में नहीं है, तो आराम से लिख देंगे -12, -10, और छोटा कोष्ठ दोनों ओर लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, और इधर से क्या हो जाएगा बड़ा कोष्ठ हो जाएगा, और इधर से ये 7 हो जाएगा, और इधर से छोटा कोष्ठ, इसमें मझला कोष्ठ नहीं होता है। अंतराल रूप लिखने में मझला कोष्ठ का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वहीं अगर इसको समुच्चय निर्माण रूप लिखना होगा, जैसे कि मान लीजिए ये अंतराल रूप हो गया, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप ये हो गया। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन 7 में देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, दोनों ओर ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या करना है, आराम से लिख देना है बड़ा कोष्ठ, 3 इधर लिख देना है, इधर 4 लिख देना है, हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये अंतराल रूप समझ गए होंगे, अगर अंतराल रूप समझ गए हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, ये इसमें करे समुच्चय निर्माण रूप, बिल्कुल उसके विपरीत करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों छोटा कोष्ठ है,
तो छोटा कोष्ठ है तो इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, आराम से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ये चीज मझला कोष्ठ में लिखेंगे और यहाँ पर लिखना है एक्स अनुपात एक्स समुच्चय रियल नंबर होगा और ये हो जाएगा माइनस तीन, छोटा है क्योंकि यहाँ पर अगर छोटा कोष्ठ नहीं होता है, अगर यहाँ पर बड़ा कोष्ठ होता तो छोटा या बराबर का चिन्ह देते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ छोटा कोष्ठ है तो सिर्फ छोटा का चिन्ह देंगे और यहाँ पर बीच में लिख देंगे एक्स, ठीक है, और यहाँ पर छोटा का ही चिन्ह देंगे और इधर लिख देंगे, ये लेस देन हो गया तो, और इधर लिख देंगे जीरो क्योंकि एक्स से जीरो बड़ा है और इधर से मझिला कोष्ठ लगा देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए ये दोनों ओर से बड़ा कोष्ठ है तो क्या लिखेंगे? एक अनुपात एक समुच्चय आर, अब इधर हो जाएगा आपका छ छोटा या बराबर, इसको लेस देन इक्वल बोलते हैं, एक्स लेस देन इक्वल 12 क्योंकि इधर से भी बड़ा कोष्ठ है, यही ध्यान देना है। इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा, देखिए इधर से छोटा कोष्ठ है इधर से बड़ा कोष्ठ है, तो इधर से क्या होगा? एक अनुपात एक समुच्चय रियल नंबर से होगा और ये हो जाएगा छ, अब इसमें देखिए सिर्फ छोटा को लेस देन होगा, लेस देन इक्वल नहीं होगा क्योंकि इक्वल यानी कि बराबर, तो सिर्फ लेस देन देना है, छोटा देना है और एक्स, और इधर क्या होगा? लेस देन इक्वल होगा क्योंकि इधर बड़ा कोष्ट है, समझ रहे हैं आप? इधर हो जाएगा 12। एक देखिए यहां पर अंतिम है, इधर से बड़ा कोष्ट है, आराम से लिख देना है रियल नंबर और ये तो बड़ा कोष्ट है तो माइनस 23 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 5 क्योंकि इधर छोटा कोष्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें मझोला कोष्ट के अंदर ही इसको लिखना है, ये ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सावत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। पहला कह रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो यहां पर ध्यान ही देना है, या सावत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करना है, मैंने कि दोनों का काम करें, तो हम यहां पर आंसर हो जाएगा कि किसी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है समकोण त्रिभुज का समुच्चय, इसमें कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो यहां पर समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय रहेगा तो सावत्रिक समुच्चय हो जाएगा, सावत्रिक समुच्चय को प्रस्तावित कर देगा क्योंकि इसमें सारे के सारे त्रिभुज आ जाएंगे, चाहे कोई भी भुजा वाला हो, समद्विबाहु हो या समकोण हो या विषम बाहु हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, समुच्चय ए इज इक्वल टू 135, यहाँ बी में देखिए 246 है और सी में 02468 ये प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सावत्रिक समुच्चयों के लिए जा सकते हैं, मतलब सावत्रिक समुच्चय के लिए कौन लिए जा सकते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि ये जो चीज है एकदम शॉर्टकट में बता रहे हैं, ये जो ए में इतना है, बी में है, सी में है, ये सारे के सारे कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे मिल जाएंगे, सभी किस में होगा? ऑप्शन सी में,
तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक है इसमें है, तीन पाँच है इसमें, यहाँ पर देखिए सी में क्या है, जीरो दो चार छ आठ, इसमें दो चार छ आठ है जीरो है, इसमें दो चार छ है तो दो चार छ है ये है, और बाकी कोई ऐसा नहीं है इसमें ऑप्शन जिसमें ये ए बी सी तीनों का आ जाए। और जो सबका आता है यहाँ तीनों समुच्चय का सवात्रिक समुच्चय कह रहा था, इसीलिए इसमें ये जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से सवात्रिक समुच्चय आप लोगों को पता है उसको क्या बोलते हैं, उसको यू से निरूपित करते हैं, आप लोग पिछले बताए थे यू से निरूपित करते हैं, तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों के तीनों यू में हैं, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें 9 क्वेश्चन ही हैं, तो अगले प्रश्नावली में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।